नमस्कार, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। रोनी कोर्ट के अंदर बड़ा धमाका हुआ है। धमाका होते ही आसपास के लोगों में और वकीलों में हड़कंप मच गया। हमारे साथ यहां पर कुछ वकील भी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या था पूरा मामला, कैसे क्या हुआ, क्या था ये बलाश? जी एक्चुअली करीब 10:30 के आसपास एक आवाज आई ब्लास्ट, जैसे ब्लास्ट होता है। मैं 101 नंबर कोर्ट नंबर 101 में था और ये जो हादसा हुआ है 102 नंबर कोर्ट में हुआ, ये बिल्कुल साथ हुआ था दोनों। तो मेरा मैटर वहाँ चल रहा था, कुछ देर बाद जैसे मैं फ्री होने के बाद मैं 102 में गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक बैग, काला रंग का जो बैग होता है ना, पिट्ठू बैग, वो बैग वहाँ पे पड़ा हुआ था और ऊपर से बिल्कुल फटा हुआ था और कुछ डॉक्यूमेंट उसके वो भी फटे वहाँ बिखरे पड़े थे। और एक बैटरी, जैसे UPS की बैटरी होती है ना, UPS की या फिर आप कह लीजिए बाइक की जो बैटरी होती है, वो सेम बैटरी बिल्कुल उस बैग से निकल कर साथ में पड़ी हुई थी, जिसे प्राइमरी ये लगता है कि ब्लास्ट जो हुआ है उसी बैटरी के अंदर हुआ है। और जैसा कि सुनने में आया कि ये जो बैग था उसके अंदर ये जो बैटरी थी, ये शायद एक केस प्रॉपर्टी थी जो कि कोर्ट के अंदर पेश की गई थी और जिसके अंदर ये ब्लास्ट हुआ है, प्राइमरी जो अभी जो वहाँ से सुनने में आया बताया जा रहा है। तब तक के लिए पूरा रोहिणी कोर्ट, हाँ अभी जो है जो आदेश आए हैं DJ साहब के, अभी तक तो शायद ये लग रहा है कि अभी कोर्ट में वर्क सस्पेंड हुआ है। जब तक होगा वो तो DJ साहब के आदेश से ही होगा, जब तक रहेगा जब तक जांच चलेगी। शायद दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में आज सुबह एक धमाके की आवाज से पूरी रोहिणी कोर्ट में हड़कंप मच गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार दमकल की एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। 2 लोग मामूली रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कैट्स एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल में घायलों को भर्ती करवाया गया। पुलिस ने हालात को संभालने के लिए रोहिणी जिले के DCP और ACP आरती शर्मा दलबल के साथ रोहिणी कोर्ट पहुंची। पुलिस ने जांच टीम में पाया कि कोर्ट नंबर 102 में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद लोगों ने गोली चलने की अफवाह फैला दी, जिस कारण पूरे कोर्ट में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि कुछ समय पहले हमलावरों ने रोहिणी कोर्ट में एक गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ, जो आसपास के लोग थे उन्होंने यही सोचा कि कोर्ट के अंदर जो चैम्बर था उसमें गोली चली है और वहां के लोगों में हड़कंप मच गया। और उसके बाद जब हमने वकील जो यहां पर वकील थे उनसे बातचीत की, उन्होंने बताया कि एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ था, पुलिस मौके पर पहुंची और उस ब्लास्ट किस वजह से हुआ उस गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है। सहयोगी रविंद्रा के साथ मैं सोनू, दिल्ली समाचार TV, रोहिणी।